आज जो टॉपिक है वो है अरिजीत सिंह के बारे में जी, जो सबके दिल पे छा जाने वाले और जिनका ब्रेकअप नहीं भी हुआ होता है उन्हें लगता है कि एक बार ब्रेकअप करके बस इनका गाना में खो जाए, और जिनका ब्रेकअप नहीं है और जिनका जिंदगी बड़ा ही शानदार चल रहा है वो भी इनका गाना सुनना पसंद करते हैं और कुछ पल के लिए, कुछ घंटों के लिए वो तब्दील हो जाते हैं और ब्रेकअप की दुनिया में या कह सकते हैं कि बड़ा ही शांत माहौल हो जाता है, लोग अलग ही माहौल में चले जाते हैं। तो अरिजीत सिंह एक ऐसे कलाकार हैं जो कि ना ही बॉलीवुड बल्कि बॉलीवुड के अलावा भी उनका काफ़ी जान पहचान है, और यहाँ तक कि उनकी आवाज़ में एक अलग ही दम है, एक अलग ही कह सकते हैं कि जादू है जो हंसते हुए व्यक्ति को भी रुला दे, वो है अरिजीत सिंह। जी हाँ, आपको बता दें कि अरिजीत सिंह के 10 गाने जो कि बहुत ही सुपर हिट हुआ और जिस कारण से अरिजीत सिंह आज पूरे बॉलीवुड में छाया हुआ है और सबके जुबान पर कई सारे फेवरेट गाना है जो कि लोगों की जुबान पर हमेशा रहता है। आपको बता दें कि अरिजीत के लगभग 10 गाने हैं जो कि इंडस्ट्री में बहुत ही फेमस हुआ है और जिस कारण से इनका पेमेंट के साथ साथ इनके दुनिया में भी बहुत ही चेंजिंग लाया जी। लेकिन ये भी कहा जाता है कि इनके अच्छा गाने या कह सकते हैं कि दर्द भरी गानों में सबसे बड़ा कारण उनकी बीवी, जो कि पहली बीवी थी, क्योंकि उनके छोड़ जाने के बाद, उनसे डिवोर्स होने के बाद भी बाद ही वो जीवन में काफ़ी आगे डेवलप किए थे। उनके 10 गाने हैं जो कि बहुत ही फेमस है जिस कारण से उनका करियर बड़ा ही शानदार बना और आज तक वो करियर कभी ख़त्म नहीं हो सकता और लगभग पूरे दुनिया में या कह सकते हैं कि पूरे भारत में लोग उनके आवाज़ को सुनना पसंद करते हैं और उनकी आवाज़ को पूरा जीवन लोग याद रखेंगे। तो उनके 10 गाने हैं जो कि इंडस्ट्री में बहुत ही फेमस हैं, जो कि पहला वो है आशिकी 2। जी हाँ, आशिकी 2 गाना बड़ा ही फेमस हुआ और जो कि इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया था, जो कि सबसे पहला सॉन्ग था। वहीं बात करें कि दूसरा सॉन्ग था जो कि अरिजीत सिंह का मरजावा। जी हाँ, मरजावा मूवी बना उसके बाद अरिजीत सिंह ने, जैकपॉट में भी एक गाना था जो कि कभी जो बादल बरसे करके सॉन्ग था, जो कि बड़ा ही फेमस हुआ और ये तीसरे नंबर पर आता है जो कि इनके जीवन का और करियर का बेहतरीन रंग लाया था। उनकी वहीं बात करें हाफ गर्लफ्रेंड बड़ा ही शानदार बहुत सारे गाना थे और इसमें कहा जाता है कि मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, लोग न जाने कितने बार रिपीट कर करके इस गाना को सुना होगा और ये दिल छू देने वाला गाना था। वहीं बात करें कि विद्या बालन और इमरान हाशमीन की एक मूवी थी जो कि अधूरी कहानी थी और उसमें एक गाना था हमारी अधूरी कहानी, और ये बड़ा ही फेमस हुआ था और लोग कहते हैं कि स्लो मोशन गाना बड़ा ही बेकार होता है और जो इन बातों को नहीं समझते हैं वही स्लो वाला गाना नहीं सुनते, वरना अरिजीत सिंह को सब कोई सुनना ज़रूर पसंद करते हैं। वहीं बात करें कि रणवीर कपूर की मूवी ऐ दिल है मुश्किल का सॉन्ग भी ऐ दिल मुश्किल करके जो गाना है वो बड़ा ही फेमस हुआ। वहीं हमदर्द गाने में अपने लिस्ट शामिल रखा, एक विलन का सॉन्ग बड़ा ही फेमस हुआ, लोग बड़ा ही उस गाने को गुनगुनाते रहते थे और लंबे टाइम तक ये गाना जो है सुना गया। वहीं बात करें कि सिटी लाइट्स और रोमांटिक गाना की बात करें जो कि मुस्कुराने की वजह तुम ही हो, ये सॉन्ग भी बड़ा ही दिल को छू जाने वाला था और लोगों के जुबान पर हमेशा लंबे टाइम तक बना रहा। अरिजीत सिंह का छिछोरे मूवी में जो कि छिछोरे मूवी के जो हीरो थे सुशांत सिंह राजपूत, जो कि बेचारे निधन कर गए, लेकिन इस मूवी में खैरियत एक गाना था और बड़ा ही वो फेमस चला, स्टार्टिंग में धूम मचा दिया पब्लिक में और ये फिल्म भी इस कारण से ही बड़ा फेमस हुआ था। और यही कारण है कि अरिजीत सिंह नहीं, उसके पास जो टैलेंट है वो शायद बहुत ही कम लोगों के पास है। कहा जाता है कि जीवन में जो भी सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, अपने काम के प्रति वफादार रहता है या अपने काम के प्रति लॉयल्टी दिखाता है वो जीवन में एक बार जरूर तरक्की पर पहुंचता है, और वही बात है अरिजीत सिंह ने अपना झंडा पूरे बॉलीवुड में गाड़ चुका है। और आशा करते हैं कि वीडियो तो पक्का अच्छा लगा होगा, लेकिन इसी तरह के कंटेंट तो हम लाते रहेंगे, लेकिन आशा करते हैं कि आप मेरे चैनल पर आ गए हैं, तो सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई बातों के साथ।